नमस्कार, पारछार समाचारला मी दुसऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि पारछ समाचार हे नेहमी माझ्या प्रचारामध्ये अग्रेसर राहिलेले आहेत आणि मीडियाच्या माध्यमातून चांगली भूमिका यांनी बजावलेली आहे, त्याबद्दल त्यांना सुद्धा खूप खूप अभिनंदन। सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी, श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरु सेवन, 18 अक्टूबर रोजी शुभारंभ, श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, अपल्या चंद्रपूर मध्ये, श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शंस, ब्राइडल लहंगास, सैरीज, चुड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेयर, किड्स वेयर, मेन्स वेयर, 18 अक्टूबर रोजी महाशुभारंभ, श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र में महापारेषण कार्यालय के सामने बिजली घर के कर्मचारियों ने वर्षों पहले पौधारोपण किया था, जो अब बड़े वृक्ष होकर वातावरण बेहतर कर रहे थे, मगर CSTPS ने इसमें से बादाम, करंजी जैसे पेड़ों का कत्ल करके ये पेड़ काट दिए हैं। इसके पूर्व में भी CSTPS क्षेत्र में कई बार ऐसे पेड़ काटे जा चुके हैं, इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए संजीवनी पर्यावरण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष राजेश बेले ने मांग की है कि CSTPS के मुख्य अभियंता पंकज सपाटे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि वे पेड़ों के मारने और स्वच्छ जलवायु को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि CSTPS से चंद्रपुर का बुरी तरह से वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण हो रहा है, जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है। इस मौके पर 14 फरवरी 2023 को स्थल पंचनामा कर निरीक्षण करने पर पेड़ से छाल निकालकर उसे नष्ट करने का प्रयास किया गया, ऐसा दिखाई दिया है। उनकी छाती गोलाई लेने पर करंजी का पेड़ 150 सेंटीमीटर और बादाम का पेड़ 195 सेंटीमीटर दर्ज किया गया। विस्तृत जांच और उक्त पेड़ का पंचनामा करने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। उक्त स्थान पर जिस समय चतुर सीमा ली गई, उस समय पंच के रूप में महापारेषण के सुरक्षा गार्ड सचिन गावड़े और साहिद अहमद के समक्ष ये पंचनामा कराया गया। पंचनामा करते हुए वन क्षेत्र दुर्गापुर के RP विजारे और वन रक्षक दुर्गापुर DP दही गावकर मौजूद थे। उक्त घटनास्थल पर संजीवनी पर्यावरण सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष राजेश बेले और CSTPS के सिविल इंजीनियर कुराडे मौजूद थे। संजीवनी पर्यावरण सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष राजेश बेले ने मांग की है कि पेड़ की हत्या के जिम्मेदार CSTPS के मुख्य अभियंता पंकज सपाटे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। चंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र परिसरात महापरिषद या कार्यालय समोर बदाम करंजी या वृक्षांची कत्तल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि ते नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, त्याची संपूर्ण छाल शिवण्यात आली। त्याच्यापूर्वी पण आम्ही तक्रार वन विभागाला केलेली होती, अशाच प्रकारचे कृत्य घडत होते। असे कृत्य घडणे हे शोकांतिक आहे, म्हणून मुख्य अभियंता पंकज सपाटे यांच्यावरती फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष राजेश बेले यांची आहे। असे कृत्य करणाऱ्या व प्रदूषण वाढवणाऱ्या चंद्रपूर शहराच्या आरोग्य धोक्यात निर्माण झालेलं आहे, नागरिकांच्या वन्य प्राण्यांच्या जल प्राण्यांच्या आरोग्य निर्माण झालेलं आहे, घातक वायू प्रदूषण व जल प्रदूषण त्याबरोबरच वृक्षांची कत्तल वातावरणाला आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण झालेला आहे। म्हणून पंकज सपाटे मुख्य अभियंता यांच्यावरती तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावी व असे प्रकारचे कृत्य न घडण्याकरिता यांना बाधित करण्यात यावी, हे आमची जिल्हा प्रशासनाला आणि वन विभागाला मागणी आहे। विदर्भातील सर्वोत्तम डिजिटल व्हिडिओ हिंदी दैनिक चॅनल पार्थशर यांचा 3र्या वर्षामध्ये पदार्पण होत आहे। नेहमी न्याय, हक्क आणि सामाजिक शैक्षणिक सर्व चळवळीतील बातम्या जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करत आहे। अशा या पार्थशर समाचारास 3र्या वर्षी वाटचाल करत असल्यामुळे मी रवींद्र शिंदे त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो।